नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। बठिंडा बीकानेर नेशनल हाईवे पर गांव पथराला के पास एक पीआरटीसी की बस पलटी, एक महिला की हुई मौत, दो दर्जन के करीब सवारियों हुई घायल। अमृतसर के दबुर्जी में एनआरआई कत्लकांड मामले में पकड़े 6 आरोपियों को पुलिस ने माननीय अदालत में किया पेश। 5 आरोपियों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत, जबकि एक आरोपी को मिला 2 दिन का पुलिस रिमांड। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने स्नैचिंग की वारदातों में शामिल एक आरोपी को किया गिरफ्तार। एक मोटरसाइकिल, एक चाकू व कुछ नकदी की बरामद। और अब हलचल विस्तार से। बठिंडा बीकानेर नेशनल हाईवे पर कस्बा डबवाली के नज़दीक पड़ते गांव पथराला में गत रात्रि रुक रुक कर हो रही बरसात के दौरान पीआरटीसी की एक बस पलट गई, जिस कारण एक महिला की मौत हो गई जबकि 2 दर्जन के करीब सवारियां घायल हो गईं, जिनमें कुछ सवारियों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें हरियाणा के कस्बा डबवाली और सिरसा में भर्ती करवाया गया है। प्रत्यक्षदर्शी गुरिंदर सिंह के अनुसार निर्माणाधीन बठिंडा डबवाली मार्ग पर कंक्रीट होने के कारण ये बस बेकाबू होकर पलट गई, जिस कारण जसविंदर कौर निवासी गांव लोहारा जिला श्री मुक्तसर साहिब की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन के करीब सवारियां घायल हो गईं। तो वहीं मौके पर पहुंची समाजसेवी संस्थाओं द्वारा घायलों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। इस दौरान घटनास्थल पर पहुंचे SHO ने कहा कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, जबकि हादसे में मारी गई महिला की लाश को शक्रे बठिंडा में रखवा दिया गया है। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨੋਨ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ? ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾ ਰਹੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਭੀਰ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ? ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੰਭੀਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਹਸਪਤਾਲ। ਅਤੇ ਮੌਤ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵੀਰੇ? ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗੀਤ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਈ? ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ, ਇਹ ਘਰੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁੜੀਆ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਰ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਲੇਜ ਰੂਪਦੂ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕਿ ਚੌਂਕੀ ਪਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪਲਟ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ SSF ਦੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰਾਇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪੈਸੈਂਜਰਸ ਇੰਜਰਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਆ ਹਜੇ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ। अमृतसर के दबुर्जी में गत दिनों एक NRI नौजवान के घर में घुसकर व्यक्तियों द्वारा गोलियां मारने के मामले में पुलिस ने अब तक सभी गिरफ्तारियां कर ली हैं। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को माननीय अदालत में पेश किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि 5 व्यक्तियों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि गत दिनों होशियारपुर से पकड़े गए 3 शूटरों में से एक आरोपी सुखविंदर सिंह साबे का 2 दिन का
पुलिस रिमांड मिला है। वहीं जब इस संबंध में काबू किए गए एक आरोपी से मीडिया ने बात की तो उसने बताया कि पुलिस ने नाजायज ही उसे गिरफ्तार किया है, पुलिस को किसी भी तरह का सबूत उनसे नहीं मिला है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। उन्होंने गोली चलाई सी, तो वो जो गोली चला के भज गए थे, वो मुड़ के बंदे गिरफ्तार होए। उन्होंने जो दो जख्मी है, एक जरा वा शूटर जो शूटर ने तो वह दो दिन का रिमांड मिलया, तो हॉस्पिटल इन्हों का दो दिन का पहला रिमांड मिले जो इन्होंने पनाह दी सी, इन्हें दो दिन का रिमांड मिले, अज खत्म होज अभी चार बंद पेश किए। शूटर किन्ने इन्हें शूटर कोई नहीं है, ये सिर्फ होटल के इन्होंने पनाह ही दी। दो बंदे मतलब इन्होंने रिमांड दो दिन का पहला मिले और चौदह दिन। मतलब जो पहला सबका सोहरे से सोहरा साहब से जानी के जालंधर कमिश्नरेट की टीम ने पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा की अगुवाई में शहर में स्नैचिंग की घटनाओं में शामिल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। तो वहीं पुलिस कमिश्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि गत दिवस पुलिस को सूचना मिली थी कि हंसराज स्टेडियम के पास तीन बाइक सवारों ने एक व्यक्ति से मोबाइल फ़ोन और कुछ नकदी छीन ली है। वहीं उन्होंने बताया कि बाइक पर कोई नंबर प्लेट नहीं था। पुलिस पार्टी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वह घटनास्थल पर पहुँचकर विकास वृद्धि निवासी मोहल्ला नंबर 58 सुंदर नगर अलावलपुर थाना आदमपुर जालंधर देहात के बयान दर्ज किए और थाना डिवीज़न 4 में मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान आरोपी की पहचान जेम्स मसीह निवासी बूटा मंडी जालंधर के रूप में की गई। वहीं पुलिस ने जेम्स मसीह को गिरफ्तार कर उनके पास से एक मोटरसाइकिल नकदी और घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद किया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मामले की आगे की जाँच जारी है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। रात की कोई 10:30 बजे SHO डिवीजन 4 में इतला मिली सी कि भी नामदीप चौंक के लागे स्नैचिंग हुई है, जो इस वारदात के संबंध में थाना डिवीजन नंबर 4 तो ASI मुख्तार सिंह समेत पुलिस पार्टी मौके पर पहुंचा सी। तो जोड़ा मौका पर पहुँच के जोड़ा उन स्नैचिंग करने वाले जोड़ा कि एक स्नैचर सेगा उन्होंने इमीडिएटली जोड़ा है उसे मौके के उत्ते काबू कर लिया, जिहदा नाम जयमनदीप सिंह है। और पुलिस कार्रवाई करते हुए जोड़ा मदई मुकदमा है विकास विरोधी जोड़ा कि विक्टम हैगा वा वो बयान के उत्ते पुलिस ने जी है अच्छ 91 नंबर FIR जी है 28/24 दर्ज की है, जी कि अंडर सैक्शन 304(3)(PNS) के तहत असी दर्ज की है। तो फिलहाल इस मुकदमे के जोड़ा है वा दोषी जयमज मसीह जोड़ा है वनू असी गिरफ्तार कर लिया है और वो जोड़ा एक जो स्नैचिंग वरत्या गया मोटरसाइकिल वो बरामद होया, तो दूसरा जोड़ा दात्र जिन्हें ड्राफ मुका के स्नैचिंग करते दात्र असी बरामद किया है। नाल ही ये दो ये साथी से कोक्यूज असी उन्होंने भी आइडेंटीफाई किया है, उन्होंने भी असी जल्दी फड़ लेंगे। सर तो, दोषी से पहला भी कोई मुकदमा दर्ज है सर? हाँ जोड़ा जयमन सिंह है जी ये खिलाफ़ पहला भी दो मुकदमे दर्ज है, ये एक 379(b) का मुकदमा है, एक NDPS का मुकदमा है, थाना फलौर के मुकदमे है और इन्होंने मुकदमे भी जोड़ा बंदा है ये PU आ फलौड़ा उन्होंने मुकदमे। जालंधर में नामदेव चौक के पास बाइक सवार लुटेरों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और उसका फोन लूट लिया। वह वारदात कर भाग रहे हमलावरों का एक कार सवार व्यक्ति ने पीछा किया। आरोपी रॉन्ग साइड पर भागे तो उसने अपनी कार रॉन्ग साइड पर भगाई व लुटेरों की बाइक को पीछे से टक्कर मारकर उन्हें गिरा दिया। इस दौरान कार सवार ने भागकर आरोपियों का पीछा किया और एक लुटेरे को पकड़ लिया जिसकी उसने जमकर धुनाई कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची थाना डिवीजन नंबर 4 की पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक BMC चौकी और जा रहा था कि इतने में काले रंग की स्प्लेंडर बाइक पर तीन लुटेरे आए थे। सबसे पीछे बैठे आरोपी के हाथ में दातर भी था। फिलहाल आरोपियों की पहचान बूटा पिंड के रहने वाले राहुल रजत और एक अन्य के रूप में हुई है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। की गल की सारी भाई गल दसोगे?
बेचारा खूनो खून आंदा पे एकदम ही खून खून आंदा मैं नाल ही भज गए मैं तू बह गड्डी मैं तू बह फटा यही गल भाई मैं बिठाया गड्डी च मैं यार किथे मैं मगर मगर गड्डी चलाई उधरों की घुमा के फिर मोटरसाइकिल लेके रोंग साइड पा लिया कि गड्डी शायद उन्हें लगा मगर नहीं आ सकी मैं आके गड्डी फिर बिच मारी भाई की गलबात की हुई भाजी यही होया सीगा भरा अपना छोटा है वड्डा है मेनू नहीं पता ठीक है ना इतने में चार बंदे ने दो ने लत्ता फड़िया दो ने बाह फड़िया ठीक है जी दो ने लत्ता फड़िया दो ने बाह फड़िया मैं दुकान तो निकलिया मैं ड्रिंक करके निकलिया ठीक है जी मैं देखिया या कि है ना कोई ना मैं यार दोस्त मजाक चलता पैसे मैं दो मिनट खुल गया अच्छा जी मैं देखिया मैं उठिया नहीं मतलब इन्हें देखिया या एकदम हूं मैं रुकिया एकदम छड़ के भज गए किन्ने जने सी भाजी चार जने मोरिंडा में चोरों व लुटेरों द्वारा लूट और चोरी की वारदातों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है जिससे शहरवासियों में भय कम माहौल है लेकिन मोरिंडा पुलिस चोरों और लुटेरों पर लगाम कसने में नाकाम नजर आ रही है। ऐसी एक घटना को चोरों ने मोरिंडा के वार्ड नंबर 15 में एक बंद घर में अंजाम दिया जहाँ चोरों ने बड़े आराम से बिना किसी डर के इस घर के फर्नीचर अलमारी बिस्तर आदि को खंगाला। वहीं घर के किचन और बाथरूम में एक्टिवा स्कूटर इन्वर्टर और बैटरी एलसीडी व कीमती सामान भी चोरी किए। तो वहीं इसी बीच घर का ताला तोड़ने वाले चोरों में से एक चोर नशे की हालत में घर के बिस्तर पर ही सो गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पार्षद राजप्रीत सिंह राजी ने बताया कि इस घर का मालिक मंजीत सिंह अपने घर के परिवार के साथ इंग्लैंड में रहता है। फिलहाल पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वही पुलिस को इस घर के बाहर गली में एक लवारिस मोटरसाइकिल भी मिली जो चोरों की बताई जा रही है। वहीं पुलिस को चोर के पास से नशे की एक शीट कुछ गोलियां और सिक्के भी मिले। इनमें विदेशी सिक्के भी शामिल हैं जिनके बारे में माना जा रहा है कि इन्हें चोरों ने इसी घर से चुरा लिया है। की नाम है जी अपना? गीता। की दी कोठी है जी है? ये नगर मंदिर। अच्छा तुसी इत्थे की करदे हो? मैं काम करदी हां। कदों तो कर रहे हो काम? मैंने होके 10 12 साल। ते चोरी पहला भी कदे हुई इत्थे? हां जी जाली वड्डी शिरियाणे ने। अज तुसी की देखिया जी? मैं खलारा देखिया जी जित कुंडा खुलिया सीगा। मैं उपर पंछिया दाना पा जानी हाँ तो देखा खलारा पिया से मैं आंटी नू हाक मारी आंटी ने कहा तो फटाफट उतर दिया फिर तुसी की देखिया? अहीं खलारा पिया से स्कूटरी बैटरा ले गए सारा। अच्छा जी हाँ जी की ले गए जी? स्कूटरी बैटरा टूटिया। बंदा कितने पिया सी? बंदा इतले पिछे कमरे च पिछले कमरे च पिया सी उत्थे? हाँ जी समान उत्ते पिया सी। हाँ जी इहदे नाल होर भी सी कोई? मैं नहीं देखा जी दुआ कोई नहीं देखा ही देखा सी जी। अच्छा जी हाँ जी फिर ये तो इतने फिर समान किदा गया जी? होर भी होने दे नाल होर भी होने ता ही गया नाल नहीं तो समान तो ऊ नहीं जाऊगा अज तक तो गया ही नहीं। ठीक है जी तुसी पुलिस नूं दस सकते हो? हाँ जी पुलिस ने फोन किया सी पुलिस आके चले गई ले गए उन्होंने नाल? हाँ जी उन्होंने नाल ले गए। हाँ जी सुबह एक सानू कंप्लीट आई सी तो 12 ते कंप्लीट आई सी कोई असी इत्थे चोर फड़िया होया वो किसी के घर बढ़िया हुआ से कोई शक्की सारा मोटरसाइकिल भी मिले जो कि जिन्होंने को अपना कोई होश नहीं है तो उन्होंने लैके आता से मेडिकल वगैरह करा रहे हैं उस तो बाद चंकी तरह वेरीफाई करके उस तो बाद तो आप जी ने चंकी तरह जाण करवाया जाएगा। सर उ जो सफाई सेवक कहना है भी उत्थे एक सिक्योरिटी कुछ होर समान एल ई डी उन्हें कुछ एक दो नंबर दिए वेरीफाई कर रहे हैं सारा कुछ वेरीफाई करके उस तो बाद सर किन्ने बंद काम लगता है जी घट्टो घट्ट
जालंधर के पौश एरिया सूर्य इनक्लेव सोसाइटी में गत रात्रि कार में बैठकर शराब पी रहे दो युवकों ने पैदल जा रही युवती से छेड़छाड़ कर दी। जब परिवार के देखने पर विरोध किया गया तो आरोपियों ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। तो वहीं घटना में कारोबारी अमित गोयल, रुपेश गुप्ता और नरेश जैन घायल हुए हैं, जिन्हें देर रात इलाज के लिए राम मंडी स्थित जोहल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। क्राइम सीन से आरोपियों की वीडियो भी सामने आई, जिसमें आरोपी तलवारें और दातर लेकर धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। वे युवती के साथ जब छेड़छाड़ हुई तो आसपास के लोगों ने जमकर इसका विरोध किया। विरोध देखकर आरोपियों ने गाली गलौज शुरू कर दी, जिसके बाद उन्होंने धारदार हथियारों से हमला कर तीन लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना में घायल हुए सभी लोग सूर्य एनक्लेव के ही रहने वाले हैं। फिलहाल एक को काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है और पुलिस जांच कर रही है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। नरेश जैन की होया जी, सर तुहाडा होया जी एदां साडे थले रहिंदे दोस्त, उहनां दी लड़की सैर कर रही सी ते वो उधरों दो मुंडे आए कार दे विच, पता नहीं दारू दूरू पीती होनी उन्होंने, ये अपने उन्हों कहन लगे उन्हों किडनैप करने की उन्होंने कोशिश की। लड़की ने हाँ जी, लड़की ने फिर बांह छुड़ा ली अपने, फटाफट दौड़ी आई अंदर, पापा पापा आई नहीं लड़की उत्थे दी रहण वाली असी उत्थे आए असी ग्राउंड रोड दे रहे हां शहर कर रही थी लड़की ना हां जी उत्थे फ्लैट उन्होंने फ्लैट दे बाहर शहर कर रही है अपने अपार्टमेंट च शहर कर रही सी ते अपने वो फिर असी बाहर आए सारे जने ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁੜੀ ਝੂਠ ਵਾਲਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡਾਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਡਾਸਾ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਧੌਣ ਤੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ। ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈਂਡਓਵਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੰਡਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਲੋਨੀ ਅੱਛੀ ਕਲੋਨੀ, ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਢੇ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਗੰਡਾਸਾ ਫੜਿਆ। जालंधर के गढ़ा रोड पर स्थित किंगडम कंसल्टेंट इमिग्रेशन कार्यालय के बाहर गत दिवस भारी हंगामा और विरोध प्रदर्शन हुआ। भारतीय किसान यूनियन और स्थानीय लोगों की भीड़ ने इस इमिग्रेशन कंपनी के खिलाफ घेराव किया और धरना दिया। तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें फर्जी वायदों के आधार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी शामिल था। विरोध प्रदर्शन के दौरान इमिग्रेशन कार्यालय में तैनात सुरक्षाकर्मी और प्रदर्शनकारियों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। आरोप है कि सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। इस घटनाक्रम के कारण इलाके में अफरातफरी मच गई। वहीं हंगामे के बाद पुलिस को मौके पर बुलाया गया, जिसने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें शांत करने का प्रयास किया। इस घटना से स्थानीय लोग और किसान संगठन इमिग्रेशन कार्यालय पर सवाल उठा रहे हैं और उन्होंने कंपनी पर गंभीर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों की बातों को सुना जाएगा। अभी तक कोई औपचारिक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन स्थिति पर नजर रखी जा रही है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। एजेंट का नाम मैं सर सानू फर्स्ट टाइम तो अवनीत कौर ने मुड़ के बैक कॉल करके कहा सीगा कि सर आ जाओ मैडम सर ना मिल लो, सर आ जाओ मिल लो सर। नहीं, कंसल्टी का नाम दफ्तर का की नाम है? किंगडम सर। किंगडम जी। किमें इन्हां दे संपर्क च आए सी तुसी? किमें सर? असीं इदां दी फेसबुक इंस्टा सारे पासे इन्हां दी ऐड चलदी पई सी, ऐड तों वेख के ही असीं आए सी। ते मैडम कित्थे दा वीजा लगाया सी, किन्ने पैसे दित्ते सी? सर असीं लगवाया है कैनेडा दा माइनर स्टडी वीजा लगवाया सीगा। अच्छा जी। ते पर हजे तक वीजा मिलिया नहीं।
इंसाफ दिता जाए सानू पैसे दिते जान साडा कोई रिजल्ट नहीं आ रहा जी मतलब वीजा नहीं लगा हुंदा ना जी करण ने सानू कहंदा जेड़ा एक लड़का करण वो कहंदा कि सर ताडा 19 तारीख नु ताडे हाथ च वीजा हो ओ सर कौन है ओ कौन सर इथे कोई एम्प्लॉय है मेनू ए नहीं पता काम की है वो कहंदा कि मैं मैनेजमेंट च कोई कदे कहंदे कुछ है एक अनुदीप है जी वो कहंदा कि मैं ओनर हां 50% है मेरा ते गुरप्रीत दा करण कहंदा कि वो हैगा वा जी मैनेजमेंट च है जी वो मैनेजमेंट दे विच ने वो ओनर नहीं हैगे ठीक है जी जेड़े ओनर ने वो कहंदे कि कनाडा गए हुए ने ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਵਨੀਤ ਮਕੌਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਸਮੋਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਮੈਡਮ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਾਵਨਾ ਮੈਡਮ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਫੋਨ ਭਾਵਨਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ अनुदीप की कॉल डिटेल सारी कढ़ाई जाए इन्हों के सारे स्टाफ की कॉल डिटेल कढ़ाई जाए और मेरे देखे जाए फोन किन्ने आए इन्हों और इन्हों के फोन देखे जाए किन्ने आए अज आने बाद बहन कोई गलबात हुई है किसी सर हजे तक फिलहाल कोई नहीं हुई साड़ी जो जथेबंदी करेगी असी जथेबंदी सिर मत्थे रख के चलते हुए हैं जी सर कोई किंगडम जो कंसुलेशन इतने आए हो पहुंचे हो कोई भी इतने का जो ऑफिस का बंदा है गलबात करन आया सर करन आया जी करण आया एक लड़की होर सीगी उन्हूं कोई 2 महीने होया कहिंदी कि मैं ज्वाइन किया इत्थे वो आई मैं मैडम तुहानूं साडे केस बारे पता कहिंदी कि नहीं मैं कहा मैडम फिर साडा कोई मतलब ही नहीं मतलब फ्रैशर बंदे नूं भेजा यार जिन्हूं पता ही नहीं कुछ बिल्कुल ठीक है जी करण आया कहिंदा हाँ जी दसो मैं कहा सर दसो किदां हुण तुसीं साडा मोबाइल चकना बंद करता इदां करके कहिंदा कि आह देखो मेरे शीशा वज गया सीगा अच्छा देख सकदे जी मैं कहा कि शीशा वज गया बैक कॉल ते हो सकदी सी एक हाथ से चलता ही सी चक्या जा सकता सी कहिंदा कि नहीं मैं कहा तुसी बैक कॉल नहीं की कहिंदा कि नहीं की भावना मैडम के फोन से फोन करीदा कोई बैक कॉल नहीं करते अनुदीप ने मैनू खुद इन्नी गल कही है कि सर हाँ जी दसो मैं कहा सर इदा इदा आवा कहिंदे कि तुहानू लड़की 5 मिनट च बैक कॉल कर दे मैं 2 दिन वेट की 5 मिनट नहीं हुए बैक कॉल की वेटिंग 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 बाद चना की बैक कॉल आई हाँ जी दसो मैं कहा सर मैं अपने बच्चों का नाम लैके मैं कहा सर कहिंदा यार तुहानू मैडम की कॉल नहीं आई मैं कहा नहीं आई कहिंदे कि फोन करता कहिंदे बस आ गई कॉल हुणी फिर कॉल की मैं 2-4 दिन बाद मैं कहा सर दस्या नहीं तुसी ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ 1 ਵਜੇ ਦੀ ਆਈ ਪੀ ਹੈ।
पंजाब रोडवेज की एक बस के कंडक्टर की सतर्कता और होशियारी से एक नाबालिग बच्चा सुरक्षित अपने परिवार के पास पहुंच गया। ये बच्चा टिंकू होशियारपुर का रहने वाला है और दो दिन पहले बिना किसी को बताए घर से निकल गया था। गत साई जब वह जालंधर बस स्टैंड से चिंतपुर्णी जा रही पंजाब रोडवेज की बस में सवार हुआ तो कंडक्टर ज्वाला सिंह को उस पर संदेह हुआ। कंडक्टर ने टिकट के दौरान लड़के से उसके परिवार के बारे में सवाल किए। लड़के ने कहा कि उसके मम्मी पापा पहले ही चिंतपुर्णी पहुंच चुके हैं और वे उनके पास जा रहे हैं। लड़के के उत्तरों पर संदेह होने के बाद कंडक्टर ने लड़के को चिंतपुर्णी पहुंचने तक अपने पास रखा और उसकी गतिविधियों पर नज़र बनाए रखी। जब चिंतपुर्णी बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद भी लड़का अपने माता पिता के बारे में सही जानकारी नहीं दे पाया तो कंडक्टर ने उससे घर वालों का संपर्क नंबर पूछा। नंबर मिलने पर कंडक्टर ने तुरंत उसके परिवार से संपर्क किया जिससे ये पुष्टि हो गई कि लड़का घर से भागा हुआ है। दो घंटों तक बच्चे को अपनी देखरेख में रखने के बाद कंडक्टर ने उसे उसके नाना और अन्य पारिवारिक सदस्यों के सुपुर्द कर दिया। कंडक्टर ज्वाला सिंह के इस नेक काम की स्थानीय दुकानदारों और लोगों ने खूब सराहना की। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जनाब की नाम है? मेरा नाम ज्वाला सिंह। ते तुसी की बस कंडक्टर है? हाँ मैं बस कंडक्टर हाँ। पंजाब रोड विच पायलट डिपो है मेरा लोहीपुर। ते की होया सी जिहड़ा बच्चा ये मुंडा मेरे नाल जिला अपने जलंधर तो चढ़िया ते मैं कितने जाना पुत ते ना चिंतपुर्णी जाना है ते मैं कहा तेरे नाल कौन है? मैं नहीं मैं कल्ला चलिया। मैं कहा कल्ला चलिया मैं तेरे मम्मी पापा ते मेरे मम्मी पापा अगे गए चिंतपुर्णी सवेरे ते मेरा पेपर सीगा ते मैं हुण पिछों चलिया। मैं कहा यार कमाल का जवाक तू कला चलिया छोटा जा जवाक है नहीं कह अंकल मैं अगे भी जाना हूं। टिकट कटाई? टिकट कटाई इन्हें 500 रुपये दिते जी 140 रुपये लगते हैं 140 करके 360 उन्होंने देते तो मैं कहा चलो ठीक है किराया भी है तो चल चले होना। फिर मैंने शक होया मैं कि यार कला चलिया तो मोबाइल है तेरे को नहीं। मैं कहा लिया पुत तेरे मम्मी पापा ने फोन कर दईए या वो पहुँचे उन्होंने की पता लगे कदों आन गया उन्होंने टाइमिंग तो दईए भी इन्ने बजे अभी 5 बजे पहुँचा तुम 5 बजे अड्डे पर आ जाओ तो जवाक में ले जाए। अंकल टेंशन नहीं मैं अगे भी जाना हूं मैं टिकाणा पता मैंने आख्या हो मंदिर के कोल उत्ते खड़ा तो तू आ जाए। मैं क्या एवें नहीं हो सकता वो कह दे भी यह तो टाइमिंग थोड़ी है तेरा कदों पहुंचे तो नहीं नंबर दे मैं नंबर लिया औखा सुख नंबर से फोन मारिया नंबर फोन ना चक्कर मैं यार नंबर तेरा फोन चकते नहीं पे तो होर कोई नंबर कहना नहीं मेरे मम्मी का नंबर है बापे बापे का नंबर है। फिर मैं गल्ला मार लिया बेटी वो तो बाद जो इतने पहुँचना रहे उदो फोन आया मेरा 10-15 मिनट पहला मैंने मिस कॉल फिर मैं फोन किया हैलो मैं क्या भाजी फोन नहीं चकते और एक तो आवाज़ घट आ रही मैंने मैं क्या जी थोड़ा जवाक आ गया अड्डे पहुँचना ना चिंतपुरी लै जाओ क्या हाँ जी हाँ जी भाजी लै जाए नहीं। मैं क्या जल्दी आ जाओ 5 मिनट से 10 मिनट पहुँचना रही है भाजी हुशियारपुर है अं तो मैं क्या मैनू चिंतपुर्णी का क्या यार उन्होंने कहा भी चिंतपुर्णी है मेरे मम्मी पापा तो मैं थोड़ा तो फोन किया फोन क्या भाजी ये हुशियारपुर है हाँ ये तो कल का भजया हुआ साढ़ा बल्ला ये तो छापा उम्र पै गया मैनू तो गया मैं तो चलिया फिर क्या हुशियारपुर है तेन सामभ के रखो मैं दिक्कत करती यार सामभ के रखो मैं क्या फिर तुम कदों तक आओगे मैं उतो आओ ले जाओ इन फिर उन्होंने फोन किया मैं इन्हों का ध्यान रखे तो थाने पहला तो पुलिस सारे को गया भी तुम सामभ लो वो कहते अं सामभ दे नहीं भाई थाने छड़िया फिर थाने छड़न जान लग गया फिर मैं पहला फोन किया कितने आ गए कहते अभी अगरेट आ गए तो मैं चल तुम आ ही जाओ तुम ही संभला दिना मैं एवं पकड़ा ही करूँगा फिर उत्तर जाने उ हूँ आ गया इन्हों संभला के फोर्टिस अस्पताल मोहाली के ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत फुट एंड एंकल डिपार्टमेंट ने डिफ्रामेंट्री करेक्शन सर्जरी के माध्यम से टखने और पैर के लिगामेंट की जटिल चोटों से पीड़ित कई खिलाड़ियों का सफलतापूर्वक इलाज किया है। इसी संबंध में फोर्टिस अस्पताल मोहाली के एसोसिएट कंसल्टेंट फुट एंड एंकल डिपार्टमेंट के डॉक्टर चंदन नारंग ने ऐसे कई एथलीटों का इलाज किया है जिससे उनमें आशा की किरण जागी है। इसी को लेकर डॉक्टर चंदन नारंग की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन जालंधर की एक निजी होटल में किया गया जिसमें एक 21 वर्षीय कबड्डी खिलाड़ी का एक सफलतापूर्वक इलाज किए जाने संबंधी जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि कबड्डी खिलाड़ी जिनका प्रदर्शन टखनी और पैर के लिगामेंट की चोट के कारण गंभीर रूप से बाधित हो गया था और जो खेल छोड़ने की कगार पर था उसका इलाज हाल ही में उनके द्वारा किया गया। वहीं डॉक्टर नारंग ने लेटरल एंकल लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन के माध्यम से
उक्त मरीज का इलाज किया जिसमें टखने के बाहर के लिगामेंट को अतिरिक्त ब्रेस और पुनर्निर्माण के माध्यम से ठीक किया गया। मरीज की सर्जरी के उपरांत सहजता से रिकवरी हुई और अगले दिन ही उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और उक्त मरीज अब ठीक हो गया है व उसने अपना अभ्यास फिर से शुरू कर दिया है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर चंदन नारा, मैं फुट एंड एंकल सर्जन हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली जिला। बेसिकली आज हम लोग जालंधर आए थे जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस कि ऑर्थोपेडिक के अंदर एक फुट एंड एंकल सर्जरी एक अलग ब्रांच होती है, लोगों को बहुत सारी फुट एंड एंकल की प्रॉब्लम्स रहती हैं तो उसके लिए उनको पता होना चाहिए कि उनके लिए अलग से डॉक्टर अवेलेबल है। सर, ये जितना भी आपने फुट और एंकल के बारे में बताया है, सर ये प्रॉब्लम क्यों और किस वजह से आती है? सर, कमर में तकलीफ उसकी वजह से भी आ सकती है, किसी को स्ट्रोक हो उसकी वजह से भी आ सकती है, किसी को जन्म जात से भी हो सकता है, किसी को गठिया उसकी वजह से भी आ सकता है, तो कारण बहुत सारे हैं। सर, जितना भी आपने ये कॉन्फ्रेंस में बताया है, ये मेल और फीमेल अलग अलग कंडीशन हो सकती है? बिल्कुल अलग अलग, आपके दोनों पाँव में बिल्कुल अलग अलग होते हैं, एक पाँव में है तो दूसरे में ऐसा नेसेसरी नहीं है। सर, एक चीज़ और, जो आपने अभी वीडियोस का दिखाए थे, किसी के पाँव टेढ़े, किसी के सीधे, किसी के, सर ये क्या कौन सी कंडीशन में आते हैं और कौन सी एज में आ सकते हैं? अभी जो ये किसी भी एज में आ सकता है, जैसे छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है तो क्लब फुट वो तो बचपन में हमारे पास आ जाएगा, उसको हम प्लास्टर से ठीक कर देते हैं, चार फुट प्लास्टर। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के बाद क्या नस कट गई, नस की वजह से क्या होता है पंजा नीचे गिर जाता है, तो अभी वो किसी भी एज में आ सकता है। अब किसी को स्ट्रोक 50 में भी हो सकता है, 60 में, 70 में हो सकता है, तो ऐसा कोई एज लिमिटेशन, एज क्राइटेरिया नहीं है। ऐसे पेशेंट टेढ़े पाँव वाले हमारे पास और दूसरे कभी भी आ सकते हैं, और दूसरा होता है जब उनको पता चले वो तभी हमारे पास आएंगे, तो जब अवेयरनेस होगा तभी हमारे पास वो लोग पहुँच पाएंगे। सर, एक सवाल किया गया था कि ये ईश्वर की देन है, जो ईश्वर की देन है, जो पैदाइशी जिनके पाँव टेढ़े होते हैं या दिक्कत होती है लेग्स में, तो उनके कारण जो सर आप ये, वैसे तो साइंस ने तरक्की कर ली है लेकिन फिर भी सर आप बताएंगे ये इसमें आप कितना परसेंट सक्सेस हुए? एग्जैक्टली, हम कभी भी किसी को 100% नहीं देते, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करके हम उसको सीधा करने वाले हैं। जालंधर के कस्बा आदमपुर में एक 67 वर्षीय प्रीतम लाल जग्गी की किस्मत ने आखिरकार 50 वर्ष बाद साथ दिया। कबाड़ी का काम करने वाले प्रीतम लाल की 2.5 करोड़ रुपयों की लॉटरी निकली है, तो वहीं आदमपुर निवासी प्रीतम लाल ने बताया कि ये लॉटरी टिकट उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से राखी के मौके पर केवल 500 रुपयों में खरीदा था। उन्होंने कहा कि जब रविवार को उन्होंने अखबार में देखा तो उन्हें पता चला कि उनके टिकट नंबर की लॉटरी निकल चुकी है। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब लॉटरी बेचने वाली एजेंसी से फ़ोन आया तब उन्हें यकीन हुआ कि उनकी सच में 2.5 करोड़ की लॉटरी लग गई है। वे उन्होंने कहा कि वे पिछले 50 सालों से लॉटरी के टिकट खरीद रहे हैं, उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि एक दिन उनकी किस्मत ज़रूर चमकेगी। वे उन्होंने कहा कि वे लॉटरी का टिकट कई अलग अलग एजेंसियों से खरीदते थे और इस बार उन्होंने राखी बम्पर लॉटरी का टिकट लिया था जिसका विनिंग अमाउंट 2.5 करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि 2.5 करोड़ की लॉटरी जीतने के बाद भी इस रकम का 25% हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगाएंगे। प्रीतम और उनकी बेटी ने कबाड़ी का काम कर अपने घर का गुजारा किया है। इतने सालों में ना तो वे अपना घर बना सके और ना ही कोई दुकान खुल पाए, लेकिन अब 50 वर्ष बाद उनकी मेहनत और उम्मीद रंग लाई है और वे करोड़पति बन गए हैं। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी, मालक जी बड़ी मेहर हुई है, असी सोचा भी नहीं जी अपने सुपने कि असी एक दिन देखांगे, लेकिन ईश्वर ने बड़ी मेहर की है, असी गरीबी भी बेताशा देखी है, क्योंकि असी किराए के मकान अज दिन तक ही रुल रहे हैं, मकान किराए का, दुकान किराए की। मैं ईश्वर के अगर फरियाद की कि ईश्वर तू सू इस तरह ही भेजेगा, असी जाके की जवाब देंगे कि मकान भी बना सके, अगर तू सा फरियाद सुन, तू सारी दुनिया से कृपा करता साढ़े ते भी कर, ऐसी कोई गल नहीं, अभी सब वास्ते सुख मंगते हैं, प्रभु सब न दे, पर मालक ने मेरी फरियाद सुन ली, अज मैनू 2.5 करोड़ का बंपर दिता है। मैं ये सोचता हाँ कि इस 25% पैसा जो होएगा वो मैं धार्मिक कामों पर लावगा, बाकी जो आई चलाई होएगी जो उस बचेगा पैसा मैं वो भी सेवा दे ला के और अपना टाइम पास कराँगा, क्योंकि अगर मैं किसी सुख नहीं दे सकता मालक मैनू दुख देने की भी शक्ति ना बख्शे। 2.5 करोड़ की लॉटरी पहला जो पता लगा भी लग गया कि लगा जी? हाँ, ये लगा कि मैं क्या ईश्वर तू साड़ी फरियाद नू आम कहावत है कि बारी साली रब रूड़ी की भी सुन लेंदा है, पर लेकिन अज तक 12 नहीं 48 साल
ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇੱਕ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਿਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 5 ਦਾ 10 ਦਾ ਫਿਰ 50 ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ 100 ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਕਤ 500 ਦਾ ਟਿਕਟ ਸੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਗਵਾਏ ਚਲੋ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਇਹ ਬੇਅਰਥ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਅਸੀਸ ਦੇਗਾ ਅਗਰ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ 'ਤੇ ਭਲਾ ਕਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਮੇਂ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਕਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਸੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੋ ਵਹੀ ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਨਰਮਦੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਿਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਾਸ ਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਰਬ ਕੇ ਅਵਸਰ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਝਾਂਕੀਆਂ ਨਿਕਾਲੀ ਗਈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੋਂ ਨੇ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਮਨਮੋਹਕ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਨਮੇਂ ਉਨਕੀ ਨ੍ਰਿਤਯ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹੀ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਕਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਪਰ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਪਹੁੰਚੇ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ੋਭਾ ਭਗਤ ਔਰ ਅਨਿਯ ਸ਼ਿਵ ਭਕਤ ਵੀ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਵਹੀ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਕੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਕਾ ਉਤਸਵ ਕੇਕ ਕਾਟ ਕਰ ਧੂਮਧਾਮ ਸੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੇਂ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਮੇਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਓਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿੱਠਾ ਮੂੰਹ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਡਲ ਮੰਦਿਰ ਮੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ QR ਕੋਡ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਆ ਗਿਆ ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਬੈਂਕ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਉਮਾਕਾਂਤ ਸਮਾਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਕਰ ਮੰਦਿਰ ਮੇਂ ਮਾਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਇਸ QR ਕੋਡ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋ ਮੰਦਿਰ ਪਰਿਸਰ ਮੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਉਮਾਕਾਂਤ ਸਮਾਲ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਮੇਂ ਇਸ QR ਕੋਡ ਮਸ਼ੀਨ ਕੇ ਲਗਨੇ ਸੇ ਅਬ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਆਸਾਨੀ ਸੇ ਮੰਦਿਰ ਕੋ ਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਆ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਭਕਤ ਕੁਛ ਸੈਂਕੜੋ ਮੇਂ ਹੀ QR ਕੋਡ ਕੋ ਸਕੈਨ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਦਿਰ ਕੋ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੀ ਰਸੀਦ ਵੀ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭੀ ਕੀ ਮੰਗਲ ਕਾਮਨਾ ਕੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕੀ ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ
सबको नमस्कार, बाबा सडल जी को नमस्कार। तो आज हम लोग QR कोड मशीन यहाँ रखाया, डोनेट किया। तो इसमें एक्चुअली अभी जब पूरा इंडिया डिजिटलाइजेशन मोड में जा रहे हैं तो कैश का यूज धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसको मंदिर में रखने से कोई कैश का इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा। डिजिटलाइजेशन इसको QR कोड स्कैन करके मंदिर को जो जितना भक्त आते हैं, जो डोनेट करना चाहते हैं, इसी थ्रू में डोनेट कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मोड है तो इसका रिसिप्ट भी अपना अकाउंट से भी रह जाएगा, कैश का कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए जो जितना भक्त आते हैं, और फ्यूचर में जो मेला भी होगा, मेला में भी जितना भक्त आएंगे, इसमें डोनेट करना सबसे ईजी रहेगा। एक मिनट, आधा मिनट में डोनेट हो जाता है, तो कैश का दिक्कत नहीं होगा। तो ये अपॉर्चुनिटी हम लोग को दे मंदिर का ट्रस्ट की, मंदिर का ट्रस्ट तो उमेश जी, वो बहुत हम लोग को हेल्पफुल है। ये हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी दिया हम लोग को यहाँ रख मंदिर में ये सेवा देने के लिए, इसीलिए हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं। और बाबा टोटल जी को भी मैं भी प्रे करता हूँ, सबका विकास हो, सबका उन्नति हो, सबका डेवलप हो, पूरा दुनिया का डेवलप हो। और बाबा टोटल जी को भी मेरा विनम्र प्रार्थना है। अमृतसर की शंकर धाम चैरिटेबल सोसाइटी आकाश एवेन्यू की ओर से शंकर धाम मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर श्री कृष्ण रासलीला एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें गायक दीक्षा शर्मा एवं पार्टी द्वारा श्री कृष्ण जी के भजनों का गुणगान किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने माथा टेका। इस मौके पर चेयरमैन BL शर्मा, शमशेर सिंह, अशोक खन्ना, देसराज लूथरा, रीना शेट्टी, सोसाइटी के सभी सदस्य उपस्थित रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं BL शर्मा, सेवक शंकर धाम चैरिटेबल सोसाइटी शंकर धाम मंदिर आकाश एवेन्यू तो बोल रहा। हर साल की तरह अज जन्माष्टमी उत्सव शंकर धाम मंदिर अंदर बड़ी धूमधाम के नाल मनाया जा रहा है। इस विच दीक्षा शर्मा जिहड़ी गायक है, वह ही इस सारे प्रोग्राम के विच वह गायक ने, ते नाल उन्होंने नाल सारा उन्होंने संग उन्होंने पार्टी सारी नाल आई हुई है। तो यह अज सू 20 साल हो गए यह शंकर धाम मंदिर के अंदर जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं। हर साल नवे तो नवे तरह पार्टियां इतने आदि है, तो नवे तो नवे स्वरूप जोड़े ने साडे मंदिरों की मूर्तियां के बनते हैं। अज इस तीन मूर्तियां मंदिर दी है, अपना राम दरबार, किशन राधा जी का, जरा माता राणी का मंदिर, इन्हों सारी ही नवे सिरों रेनोवेशन की गई है, नवे सिरों टाइल लाई गई है, मूर्तियां के स्वरूप भी जड़े ने वो सारे नवे सिरों बनाए गए हैं। पूरे अपना शिवालय के अंदर जोड़ा वो पहला ही साड़ा प्रोग्राम बन चुका है। अज शंकर धाम मंदिर नैशनल लैवल के प्रोग्राम भी हो चुके हैं, जिस दे विच के साढ़े दो महीने पहला, तीन महीने पहला जगत गुरु शंकराचार्य का प्रोग्राम होया, जिहड़ा कि पंजाब दे विच सिर्फ अमृतसर के शंकर धाम मंदिर दे विच मनाया गया सी। अज इस शंकर धाम मंदिर के अंदर तुसी देखोगे कि किन्नी रौनक लगी है, लोग हुम हुमा के इस प्रोग्राम नूं देखण वास्ते आते हैं। तो मैं एक गल जरूर कहांगा कि साढ़े कन्वीनर कपूर साहब, साढ़े संरक्षक लूथरा जी, कैशियर सिर्फ साढ़े सनी कपूर जी, साढ़े प्रधान शंकर धाम मंदिर सोसाइटी के जड़े ने श्री शमशेर जी, सारे के सहयोग के नाल, सैकटरी साढ़े सुमन अग्रवाल जी ने सारे के सहयोग के नाल, इन्ना क वधिया इत्थे प्रोग्राम होंदा है कि सारा साढ़े चैनल वाले जिसलिए अगे फॉरवर्ड करते हैं तो दुनिया सारी देख रही है कि मंदिर के विच की कुछ चल रहा है। देखो मैं एक गल जरूर कहांगा कि इस मंदिर के विच सारी सोसाइटी का सहयोग रहा है, सारे इलाका निवासियों का, दूर दूर तो जो बंदे आते हैं अपना सहयोग देंगे, तो अज इस मंदिर की मुहार ही बदल गई है। मैं तुहाडे इत्थे चैनल वाले का आया भी बहुत धन्यवाद करना, अपनी सोसाइटी के इलाका निवासियों का भी धन्यवाद दिया कि वो सारे सहयोग दे के अज इस मंदिर की मुहार बना। धन्यवाद। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक भव्य आयोजन को ऑपरेटिव और न्यू गार्डन कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मोहित बब्बर व सूरज बब्बर की अध्यक्षता में करवाया गया, जिसमें क्षेत्रीय निवासियों ने बढ़ चढ़कर प्रभु श्री कृष्ण जी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर कॉलोनी के प्रधान विक्रम शर्मा, नीश बब्बर, डॉक्टर जोली, विनय नैयर, नवीन पुरी और अन्य कॉलोनी निवासी भी उपस्थित रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं राजीव कपूर, प्रेजिडेंट वृंदावन गार्डन एसोसिएशन वालों सारे अपने देशवासियों जन्मदिन के
अपने प्रभु के जन्म अष्टमी के गोकुल जी के जन्म अष्टमी के जन्मदिन से उन्होंने बहुत बहुत मुबारक देना वा सारे देशवासियों और मैं यह सारे कहांगा कि प्रभु का जोड़ा अज का दिन है सारे बड़े धूमधाम ना मना जिस तरह कि साढ़े वृंदावन गार्डन के असी अपने सारे कलोनी वासी मिल के प्रभु के चरणों का आशीर्वाद लैके लंगर लगया इतने और शामी जरा राति अपना इस्कॉन मंदिर के असी उ सब बंद जिन्होंने वर्त रखे है उन्होंने भी लंगर अरेजमेंट उधर किया है और प्रभु के चरणों के रह के असी हर बंद कहों कि जोड़ा बंदा मत्था टेकन आ रहा है प्रभु दर्शन कर आ रहा है वह लंगर का अपना करके जा प्रशादा लैके जा प्रभु की जय जयकार कर जय जयकार। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर की पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की जिसके बाद वीनू सहगल गोपाल पांडे विनी सवरिया चंद्र कन्हैया डोली राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल मंच संचालक बलदेव आनंद और रवन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। वाले आजा तेरी याद सता
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। बठिंडा बीकानेर नेशनल हाईवे पर गांव पथराला के पास एक पीआरटीसी की बस पलटी, एक महिला की हुई मौत, दो दर्जन के करीब सवारियों हुई घायल। अमृतसर के दबुर्जी में एनआरआई कत्लकांड मामले में पकड़े 6 आरोपियों को पुलिस ने माननीय अदालत में किया पेश। 5 आरोपियों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत, जबकि 1 आरोपी को मिला 2 दिन का पुलिस रिमांड। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने स्नैचिंग की वारदातों में शामिल 1 आरोपी को किया गिरफ्तार। 1 मोटरसाइकिल, 1 चाकू व कुछ नकदी की बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।